हे गाइस, हाँ, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ईद मेकअप ट्यूटोरियल। आई होप ये लुक आप लोगों को पसंद है, और अगर पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सबसे पहले मैं अपनी आईब्रोज को फिल कर लूँगी, और उसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँ हेवन की आईब्रो पेंसिल। और मैं जितने भी प्रोडक्ट यूज़ करूँगी सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगी, आप चाहो तो वहाँ से चेक कर सकते हो। और आईब्रोज को फिल करने के बाद मैं एक कंसीलर अप्लाई करूँगी आईब्रोज के ऊपर एंड आईब्रोज के नीचे। ये NYX कंसीलर पेन, इसको मैं लगा लूँगी, फिंगर की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी। इससे क्या होगा, मेरी आईब्रोज शार्प दिखेगा। नेक्स्ट मैं अपनी आईलिड पर कंसीलर अप्लाई करूँगी, जिसके लिए मैं यूज़ करूँगी मेबरिन की फिटिंग कंसीलर। इसको मैं अपनी फिंगर की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी। देन मैं थोड़ा सा कॉम्पैक्ट यूज़ करूँगी ताकि मेरी कंसीलर सेट हो जाए। उसके बाद मैं आई शेडो के लिए यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ऐसे 36 कलर आई शेडो पैलेट। यहाँ से मैं एक लाइट ब्राउन शेड लेके अपनी क्रीज पर अप्लाई कर लूँगी एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से। एंड देन मैं उसी पैलेट में से एक डार्क ब्राउन शेड लेके अपनी आउटर कॉर्नर पर अप्लाई करूँगी। और मैं आई शेडो तब तक अप्लाई करूँगी जब तक मुझे एक अच्छा सा कलर ना मिल जाए। देन मैं इस पैलेट में से ये येलो गोल्डन येलो कलर लेके अपने फिंगर की मदद से इनर आईलिड पर अप्लाई कर लूँगी। एंड देन मैं उसी ब्राउन शेड को लेकर अपनी आउटर कॉर्नर पे फिर से अप्लाई करूँगी ताकि दोनों आई शेडो मिक्सड हो जाए। उसके लिए मैं आईलाइनर के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ NYX की आईलाइनर। इससे मैं एक विंड आईलाइनर ड्रॉ करूँगी। एक बहुत ही अच्छा और एफोर्डेबल आईलाइनर है। देन मैं अपनी आईलैश कर्ल कर लूंगी एंड मस्कारा अप्लाई कर लूंगी। और मस्कारा के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ मेबेलिन के हाइपर कर्ल मस्कारा। देन मैं प्राइमर के लिए यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का प्राइमर। मैंने पहले ही मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लिया था। फाउंडेशन के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ओलिविया की मेकअप स्टिक। इसको मैं अपने फुल फेस पे पहले लगा लूँगी एंड देन एक ब्रश को इससे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। और मैं अपनी नेक पर भी लगाऊंगी ताकि मेरा फेस और नेक पलट ना। कंसीलर के लिए मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगी मेबेलिन की फिट मी कंसीलर इन शेड 10। इसको मैं अपने अंडर आईज पे, चिक बोन पे, नोज पे और फोरहेड पे लगाऊंगी, और एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। देन मैं कॉम्पैक्ट यूज़ करूँगी, और उसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी मेबेलिन का सुपर फेस कॉम्पैक्ट। इसको मैं एक ब्रश की हेल्प से अच्छे से अपने फुल फेस पे अप्लाई कर लूँगी। कंट्रोल कर रही हूँ, उसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ NYX की चॉकलेट पैलेट। यहाँ से एक डार्क ब्राउन शेड लेके मैं कंट्रोल कर रही हूँ, और मैं अपने नोज पर भी कंट्रोल करूँगी एक स्मॉल ब्रश की हेल्प से। देन मैंने जहाँ पर भी कंट्रोल किया था उसके नीचे थोड़ा सा कॉम्पैक्ट लगा लूँगी ताकि मेरे कंट्रोल अच्छे से उभर के आए। ब्रश के लिए मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ ATS की डायमंड ब्रश इन शेड 2। नेक्स्ट मैं हाईलाइटर के लिए यूज़ कर रही NYX की चॉकलेट पैलेट में से ये हाईलाइटर शेड लेके मैं हाईलाइट कर लूँगी, और मैं अपने आईब्रो बन को भी हाईलाइट करूँगी। नेक्स्ट मैं काजल यूज़ कर रही हूँ, उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ बॉन्डी पैलेट की काजल। इसको मैं अपनी वाटर लाइन पर अप्लाई कर लूँगी। नेक्स्ट मैं एक ब्राउन शेड लेके अपनी लोअर लैश लाइन पे लगा लूँगी, और अपनी लोअर लैश लाइन को मैं थोड़ा सा मस्कारा भी लगाऊंगी। नेक्स्ट लिप लाइनर के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ट्रू लिप्स की लिप लाइनर।
एंड लिपस्टिक के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन की कलर शो लिपस्टिक इन शेड फूशिया। आप चाहो तो कोई भी लिपस्टिक अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट मैं अपनी मेकअप को फिक्स कर लूँगी एडीएस की मेकअप फिक्सर से एंड एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से डैप टक कर लूँगी। तो ये मेरी फाइनल लुक गाइस। आई होप ये लुक